फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एस्टेट पे ही वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एस्टेट को लेकर, जिसमें आप लोगों ने मेरा भरपूर विरोध करा। कोई बात नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर कोई को है, मुझे भी है, आपको भी है। मैंने जो समझा मैंने अभिव्यक्त किया, आपने जो समझा आपने किया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है आप लोगों से। लेकिन मैं उसके पीछे की असलियत फिर से आपको दिखाने आई हूँ। और एक मिस्टेक था मेरा वहाँ पे कि मैं एक बात ही बोलना भूल गई थी, जो मुझे बोलना चाहिए था ना, वो बात मैं फ्लो में जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना तो बोलने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मैं बोली या नहीं बोली। बाद में मुझे हुआ कि हाँ मैं नहीं बोली, तो शायद इस वजह से आप लोगों का डाउट जो था वो क्लियर ही नहीं हो पाया। आप लोगों के मन में ये आया कि मैम मूर्ख है, मूर्ख की तरह बातें कर रही हैं, कि ये कह रही हैं कि ये जो नियम है बहुत गलत है। नियम गलत नहीं है, मैं नियम को गलत नहीं बोली। मैं क्यों उसको गलत बोली, इस बात को आप लोग सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को बात। और एक उम्मीद जरूर रखती हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नीचे बैड कमेंट ना करेंगे, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हो। आप लोग अच्छे से बोलो ना, किसी भी बात को अच्छे से बोलो। जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें भी कमेंट सारे लोग किए, लेकिन बोलने का तरीका सबका अलग अलग था। कमेंट बहुत सारा आया लेकिन बोलने का तरीका सीखो भाई। आप लोग टीचर बनने जा रहे हो और मैं भी टीचर हूँ, और एक टीचर के लिए इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छे से बोल रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही थी कि देखो, जैसे जो 2011-12 में स्टेट का एग्ज़ाम दिए, तो उनके पास उनको क्वालिफाई सर्टिफिकेट मिला, जितना मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए था तो उनके पास सर्टिफिकेट है। तो इतने सालों बाद भी उनके सर्टिफिकेट का 2 साल डेट भी बढ़ा, उसके डेट जो 7 साल था वो ख़त्म हो गया, फिर 2 साल बढ़ा, मतलब 9-10 साल के बाद भी आखिरकार उनको मौका मिला है ना शिक्षक बनने का। और अभी देखो उनके लिए कल भी नोटिफिकेशन आया है, वो लोग शायद केस वगैरह किए थे, तो नोटिफिकेशन आया है कि जून 2019 तक की जो रिक्ति है उन रिक्ति पे उन लोगों की बहाली होगी। तो हो जाएगी ना, अगर कम भी मार्क्स उनके थे हो जाएगी ना, अगर वो ट्रेंड नहीं थे अब ट्रेंड हो गए फिर भी हो जाएगी ना। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें आनंद कौशल जी का आप लोग सुने होइएगा ना, जब जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन उन्होंने कहा था कि जो रिक्ति आई है 37,000 के आसपास हाई स्कूल और प्लस टू दोनों मिला के, तो उन दोनों सॉरी जितनी रिक्ति जो आई है उतनी ही लोगों का रिजल्ट घोषित करेंगे, ठीक है? और रिजल्ट में क्या था ये भी बात आप लोग जानते हो कि या तो वही वीडियो में बनाई थी, या तो आपका अगर एक सा मार्क्स आता है तो मेरिट बनेगा, और मेरिट में अगर दो लोगों का सेम मार्क्स आ जाता है तो जो ज़्यादा उम्र वाले होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगा। उसके बाद अगर वो दोनों भी बराबर हो जाता है, उम्र भी बराबर हो जाता है और मार्क्स भी बराबर हो जाता है, तो तीसरा था कि हाई स्कूल के लिए ग्रेजुएशन का और प्लस टू के लिए था इसका पीजी का, ठीक है, स्नातकोत्तर का, तो 100 मार्क्स था। और अगर वो तीनों सेम हो जाता है तो फिर था कि आपका जो नेम है अल्फाबेटिकल उस पे वो करेगा, ऐसा था ना। तो उसमें देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ना, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि 120 मार्क्स और 130 मार्क्स सिर्फ मेरा ही आ रहा है। तो प्लीज़ भाई, प्लीज़ मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ऐसा आप लोग मत सोचिए कि सिर्फ आपका ही 120 और 125 आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। जब आप लोग जानते हो कि मैं शिक्षक समुदाय से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलते रहती हूँ, और ख़ासकर चैनल के माध्यम से और ज़्यादा पता चलते रहता है चैनल की वजह से कि बहुत सारे लोगों का 120 आएगा। आप लोग बोल रहे थे ना मुझे कमेंट में कि रेलवे SSC KV मतलब सब में रूल है, मैं भी जानती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जानती हूँ कि सब में ये रूल है, लेकिन रेलवे और SSC से एस्टेट की तुलना करना कहीं से सही नहीं है। आप लोग भी स्टूडेंट हो, आप लोग भी रेलवे का SSC का एग्जाम देते होइएगा, मैं भी देती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि दोनों का तुलना ना करना कहीं से भी सही नहीं है। एस्टेट का क्या क्वेश्चन का लेवल था तो आप लोग देख ही लिए हैं कि क्या लेवल था उसका, तो उससे उसका तुलना मत करिए प्लीज़।
और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है ना, तो एक सा अंक बहुत कम लोगों का आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें हैं ना कि जो 120 मार्क्स है, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, तो सिर्फ मेरे ही आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अगर पूरे वैकेंसी को ले लें ना, ऑल सब्जेक्ट को, तो लगभग आपको 1000 लोग तो ऐसे जरूर मिलेंगे जिनका सेम मार्क्स होगा। मैं सारे विषयों की बात कर रही हूँ, फिर आप लोग ये मत कहना कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य अनुदेशक का जो अभी रिजल्ट आया है उसको उससे अपना तुलना आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग अपियर हुए थे, तो उसमें तो जितना सीट खाली है उतने भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनका भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैथ साइंस में, सोशल साइंस में, इधर जो है ना बहुत अधिक कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मैं जिससे पूछती हूँ ना, अपने आसपास, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग दिए हैं, मेरे स्कूल के भी लोग दिए हैं, मेरे घर के भी लोग दिए हैं, तो जिससे पूछती हूँ ना, 115 से कम तो अभी तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरा 115 से कम आया है, ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं। 135 तक अंक वाले लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, 138 तक वाले लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, जो आंसर की मिलाने के बाद उनका उतना आ रहा है। तो इस भ्रम में कभी भी ना रहे कि सिर्फ मेरा ही आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान था, इतना आसान था कि सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सोशल स्टडीज का क्वेश्चन मैं देखी थी, सारा उठा के 6, 7, 8 का जो बुक है जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, उससे पूछ दिया था। जब बनाने बैठी थी ना, तो लग रहा था हे भगवान, ये क्या पूछ दिया। तो मतलब उसका लेवल इतना डाउन कर दिया है ना स्टेट का, कि सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और वहाँ पे नाइंसाफी किसके साथ होगा। हालांकि जिनके उम्र ज़्यादा है उनको पहले होना ही चाहिए, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन आपके पास, आपको अगर क्वालिफाई मार्क्स वो दे देता ना सर्टिफिकेट, तो फिर आज न कल आप बनने के लिए एलिजिबल रहते। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो उतने ही लोगों का रिजल्ट देंगे जितना की सीट है, तो मैं इस बात को गलत बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो नियम बनाया है वो गलत है, मैं भी उस नियम को बहुत सराही थी, जब वो नियम बन के आया था ना, मैं भी उसको बहुत सराही थी। लेकिन शायद मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ऐसा लेवल डाउन क्वेश्चन का कर देगा, और एक सा नंबर बहुत सारे लोगों का आएगा। ऐसे ऐसे लोगों को 125 नंबर आ रहा है ना, जो सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं, जो सीटेट कई बार से दे रहे हैं और सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो लोग सीटेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर रहा है, उन लोगों को 125 मार्क्स आ रहा है। सोचो क्या लेवल था, है ना। हाँ, और कुछ लोगों के साथ गलत भी हुआ, जो लोग जैसे इसका साइंस वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उन लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, कि उन लोगों को जो सिलेबस था उससे वो कर दिया था, शायद क्वेश्चन पूछ दिया था। मैं साइंस का नहीं देखी थी, इसलिए मैं साइंस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं मैथ का देखी थी और सोशल स्टडीज़ का देखी थी, तो मैथ के बारे में भी मैं देखी थी, तो इजी क्वेश्चन था, और जो लोग मैथ जानते हैं उनके लिए तो बहुत इजी था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। स्कूल में मैं क्वेश्चन पेपर लेके गई थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर का मजाक उड़ रहा था कि प्लस टू और हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए ऐसा एग्जाम हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद मैं करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग समझे होइएगा मेरी बात को। और उसमें भी देखिए, उसमें भी कैटेगरी भी आएगा, फिर बीच में कैटेगरी जो आएगा कि जो सीटें आप लोगों को दिख रही होंगी कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन वो बाहर से एक एक साथ जब सीटें रहता है ना, तो दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी ही जो ये प्राइमरी वाला, प्राथमिक वाला बहाली चल रहा था, तो उसमें कैसे लगता है 1 लाख सीट, लेकिन जब अपने कैटेगरी पे आते हैं ना, तो पता चलता है कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं, सारे लोग परेशान। और यहाँ बिहार में कितनी ज़्यादा सब कुछ में धांधली होती है, इस बात से तो परिचित होइएगा ही। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि उनको ना क्वालिफाई सर्टिफिकेट सबको देना चाहिए, आज नहीं तो कल वो बनते टीचर ना, जैसे 2012 वाले बन रहे हैं, मैं ये बोल रही थी। और जहाँ तक मेरे कुछ भी बोलने का बात है, मेरे बोलने से लोग थोड़ी कर लेंगे, कि मैं ऐसा थोड़ी बोल रही थी कि आप लोग कुछ करो, जो उसकी रियलिटी थी वो मैं दिखाने का कोशिश कर रही थी। और बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि मेरा नहीं आ रहा होगा मार्क्स ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो अगर मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, क्योंकि जो लोग पहले ही टीचर बन जाते हैं ना,
तो मिडिल स्कूल में हो, 1 to 5 में, 6 to 8 में, कुछ में हो, तो उनका पहले से इतना इंक्रीमेंट हो गया रहता है ना कि उनको वो कभी भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो +2 2011 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पास है, उसमें ही किए थे, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। तो उनसे मैं पूछती हूँ कि दी आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोलती है नहीं, उतना ज़्यादा जूनियर हो जाऊंगी, ऊपर से क्योंकि सेवा अवधि का अगर लाभ मिल जाता ना, निरंतरता का लाभ मिल जाता तो लोग जाते, लेकिन जो पहले वाला जॉब है वो उसका कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। वहां पे आपका नियोजन फिर से शुरू हो जाता है, तो आप बहुत जूनियर हो जाते हो। और एक तो ग्रेड पे वाला सिस्टम है यहाँ पे कि 2 साल तक आपको ग्रेड पे ही नहीं देता है। अब जिसका ग्रेड पे जुड़ गया उसका हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होते होते उनका बेसिक पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कभी नहीं जाएंगे उस स्कूल में। वो पास भी कर जाएंगे ना, मेरे ही यहाँ कई लोग क्वालिफाई कर रहे हैं मेरे स्कूल में, लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, मतलब मेरे स्कूल में, स्कूल के आसपास जो लोग बीएड हैं वो तो दिए ही हैं, एग्जाम पता ही है, तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। जो पिछले बार भी क्वालिफाई थे वो भी नहीं जा रहे हैं, जो 2012 में, अगर उनका, बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जिनका हाई स्कूल +2 जितना भी था ना चारों में हो गया था, तो उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा मेरी बात को, कि मेरे कहने का मतलब था कि भाई सर्टिफिकेट तो दे दो कम से कम क्वालिफाई का, कि आज ना कल मुझे मौका मिल जाएगा। तो इसमें कम उम्र वाले के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि किसी का अगर 24 साल 25 साल उम्र है और उनका भी 120 मार्क्स आ रहा है, और 26 साल वाले का भी 120 आ रहा है, 30 साल वाले का भी हो रहा है, तो एज में सोचो, आप खुद सोचो तो लगेगा कि मैम एकदम सही बोल रही है। तो उनका होना जरूरी है ज्यादा एज वाले का, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपको भी मौका मिले। और सीटें बहुत कम है, ऐसा जो लग रहा है ना एक साथ हो है इसलिए दिख रहा है। अगर कैटेगरी वाइज उसको बांट दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इतना कम हो जाएगा ना वो सीट कि लगेगा कि वो सीट कुछ है ही नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो या अगर विरोध भी आप लोगों के मन में हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अच्छे से लिखो उसको, बस अच्छे से लिखो। इतना मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, अच्छा नहीं लगता कोई उस तरह से लिखता है, क्योंकि मुझे इस